नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी स्वास्थ्य यात्रा पर चल रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कोरोनरी एंजियोग्राम क्या होता है। कोरोनरी एंजियोग्राम आपको सलाह दी गई, डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि कोरोनरी एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। एंजियोग्राफी के पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए और एंजियोग्राफी करने के क्या नुकसानदेह इफ़ेक्ट हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोरोनरी एंजियोग्राम में हम एक बहुत पतला सा कैथेटर या एक पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, आप समझ लीजिए, जिसे हम हथेली में रेडियल आर्टरी के थ्रू या जांघों में फीमोरल आर्टरी के थ्रू हार्ट तक पहुंचते हैं और उसमें हम एक दवा इंजेक्ट करते हैं जिससे कि हमारा नसों की बनावट एक्सरे में दिखने लगती है और उसी स्टडी को हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। आपको डॉक्टर ने सलाह दे दिया कि आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाना चाहिए। क्या आपको डरने की ज़रूरत है? कुछ बातें हमें बहुत अच्छे से जाननी चाहिए। पहला, हमें इस बात का पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि क्या हमें वास्तव में एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। एंजियोग्राफी को कभी भी छोटा प्रोसीजर ना समझें। कई लोग एक जगह की एंजियोग्राफी से संतुष्ट नहीं होते तो वो दूसरी जगह एंजियोग्राफी करवा लेते हैं, तीसरी बार एंजियोग्राफी करवा लेते हैं। एंजियोग्राफी के बहुत कम ही सही, लेकिन कई बार जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कई बार नसों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रेडिएशन होता है इससे, तो इस कारण से एंजियोग्राफी को छोटा प्रोसीजर समझ के बार बार करवाने की गलती ना करें जब तक कि वो प्रॉपरली इंडिकेटेड ना हो, आपको किसी डॉक्टर ने सलाह ना दी हो तब तक एंजियोग्राफी ना करवाएं। अब आते हैं, अगर आपको एंजियोग्राफी की सलाह दी गई है और आपने एंजियोग्राफी का निर्णय कर लिया है तो अब क्या करना है। सामान्यतः आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, एक फिक्स टाइम दिया जाता है, आप एंजियोग्राफी के लिए उस समय पहुंच जाएं। कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ खून की जाँचें होती हैं जो आपको पहले से करवानी होती हैं और वो आप अगर वो रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल हैं तो आप एंजियोग्राफी के लिए जाके एडमिट हो जाते हैं। एंजियोग्राफी करने से पहले जो भी आपका शेड्यूल टाइम है एंजियोग्राफी का, उससे करीब 5-6 घंटे पहले आपको हल्का नाश्ता ले लेना चाहिए और उसके बाद मुंह से कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ही सही लेकिन कभी कभार एंजियोग्राफी के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो यह बेहतर होता है कि अगर आप खाली पेट रहें, जिससे कि आपका अगर आपको उबकाई आती है या उल्टी आती है तो उस समय आपके पेट में कुछ ना होने से कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम रहती है। एंजियोग्राफी का प्रोसीजर सामान्यतया 10 से 15 मिनट का होता है। जैसे मैंने बताया कि वो एक कैथेटर अंदर इंसर्ट करते हैं, आपको पूरा बेहोश नहीं किया जाता है, केवल एक सुन्न करने की सुई दी जाती है जहाँ से भी आपके वो वायर इंसर्ट करते हैं, वो कैथेटर इंसर्ट करते हैं। और जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के बाद आपको हल्की सी अनइजीनेस महसूस हो सकता है। जब वो एंजियोग्राफी कर रहे होते हैं तब भी कुछ लोगों को हल्का सा कुछ गर्माहट, कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन या हल्की सी घबराहट महसूस हो सकती है। प्रोसीजर करने के बाद कुछ लोगों को ठंड की शिकायत होती है, कि उनको शिवरिंग होती है या हल्का सा फीवर आ सकता है। ये सब बिल्कुल सामान्य है, इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को हल्का उल्टी का सेंसेशन आता है, उबकाई का सेंसेशन आता है। ये जो रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई हम इंजेक्ट करते हैं उससे एंजियोग्राफी के प्रोसीजर में, उसकी वजह से यह सब रिएक्शन होता है, इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि ये जो रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई हम इंजेक्ट करते हैं, यह एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है ज़्यादा, और यह किडनी के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। इस कारण से जिन मरीजों को किडनी की समस्या है या जिनका किडनी फंक्शन डिरेंज्ड है, ख़राब है, ऐसे व्यक्तियों को किडनी के डॉक्टर से और एंजियोग्राफी करने से पहले एंजियोग्राफी करने वाले फिजिशियन को यह इन्फॉर्म करना बहुत आवश्यक है कि मेरे किडनी का फंक्शन नॉर्मल नहीं है, क्या मुझे एंजियोग्राफी करवाना सेफ़ है कि नहीं है।
ऐसा देखा गया है कई बार कि इस दवा से जो दवा इंजेक्शन में दी जाती है एंजियोग्राफी के दौरान, वह दवा किडनी के फंक्शन को और ख़राब कर सकती है और कई बार किडनी पूरी तरह से बंद काम करना बंद कर देता है, टोटल शटडाउन में चला जाता है और आपको डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, किसी तरह का इशू है, तो आप एंजियोग्राफी करने से पहले अपने फिजिशियन को इस बात के लिए ज़रूर इन्फॉर्म करें। और इसीलिए एंजियोग्राफी से पहले आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट में से है वह है कि आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। एंजियोग्राफी होने के बाद अगर डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है तो अपना हाइड्रेशन लेवल ज़रूर अच्छा रखें। आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और सामान्यतया सारे सेंटर्स में यह इंश्योर किया जाता है कि एंजियोग्राफी से पहले भी पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखा जाए। कहने का मतलब ये कि आपके शरीर में पानी की अगर कमी नहीं रहती तो यूरिन अच्छी मात्रा में बनता है, और यूरिन अच्छी मात्रा में बनने से जो डाई दी जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि वो किडनी को नुकसान करती है, वो डाई जल्दी से आपके यूरिन के माध्यम से निकल जाती है और उसका नुकसानदेह इफेक्ट कम से कम होता है। तो एंजियोग्राफी के पहले और एंजियोग्राफी के बाद भी अपना हाइड्रेशन स्टेटस, अपने पानी की मात्रा अच्छी रखें, पानी पिए अच्छी मात्रा अच्छे से, अनलेस कि आपको डॉक्टर ने मना किया हो इसके लिए, तो अच्छी मात्रा में पानी पीने से आपका वो डाई जो है वो जल्दी बाहर आ जाएगा। अब आते हैं हम एंजियोग्राफी पंक्चर साइट पे। जिस जगह से कैथेटर अंदर घुसाया जाता है, चाहे वो आपकी आपकी कलाई के पास रेडियल आर्टरी हो या जांघों के पास फीमोरल आर्टरी हो, यह जगह सुन्न करके चूंकि यह प्रोसीजर किया जाता है इसलिए उस समय तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब सुन्न का असर ख़त्म होता है तो थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है, और कभी कभी कुछ व्यक्तियों में यह दर्द थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल ना घबराएं, यह समय के साथ धीमे धीमे ठीक हो जाता है। हाँ, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि चूंकि यह अधिक दबाव वाली नसें होती हैं, इसमें खून का दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए यह प्रोसीजर करने के बाद उसे एक कंप्रेशन बैंडेज लगा के रखा जाता है, एक ऐसी पट्टी लगा के रखी जाती है जिसमें ज़्यादा दबाव होता है, और वह पट्टी कम से कम 6-7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस ड्यूरेशन तक लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि उससे वहाँ पर खून का प्रॉपर क्लॉट जम जाता है और वो जो पंक्चर साइट है वो बंद हो जाता है। अगर आपने पट्टी जल्दी हटा दी तो वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो एंजियोग्राफी के बाद हो जाती है, स्पेशली जो एल्डरली लोग होते हैं, जो 55-60 या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनमें चूंकि खून की नसें ज़्यादा स्टिफ़ हो जाती हैं, इसलिए जब पंक्चर करने के बाद जब वो निडल हटा ली जाती है, जब वो कैथेटर हटा लिया जाता है और कंप्रेशन लगा दिया जाता है, अगर प्रॉपरली कंप्रेशन नहीं लगाया गया या कंप्रेशन लगाने के बाद जल्दी हटा लिया गया, तो कई बार क्या होता है कि उन नसों से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, जो स्किन से बाहर तो नहीं आती लेकिन वहीं पे आसपास जो चमड़ी के नीचे की लेयर में जमती जाती है, इसे हेमाटोमा कहते हैं हम, मतलब एक खून का थक्का नसों के आसपास जम जाता है। कई बार ये थक्का बहुत छोटा सा होता है लेकिन कई बार ये थक्का काफ़ी मोटा हो जाता है, स्पेशली जांघों के एरिया में कई बार बहुत बड़े गठान सी बन जाती है, और यह गठान कई बार बहुत पेनफुल होती है और कई बार 15-20 दिनों तक, 25 दिनों तक भी यह गठान बनी रहती है और मरीज़ को चलने फिरने में समस्या होती है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप नोटिस करें, आपको तुरंत अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अगर यह गठान समय के साथ बढ़ रही है या एंजियोग्राफी की जगह पे आपकी सूजन बढ़ रही है, उसमें लालपन बढ़ रहा है या दर्द आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यह एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसे हम स्यूडो एनरिज्म कहते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली वो जो पंक्चर साइट थी आपके आर्टरी में, वो नसों में जो पंक्चर की जगह थी, वह जगह पूरी तरह बंद नहीं हुई और उसमें से खून लीक होता रहा और होता रहा, और एक एक गुब्बारे जैसा एक गठान बन जाती है जिसमें कि खून का प्रवाह जारी रहता है, और यह बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और कई बार इसके लिए एक मेजर सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप एंजियोग्राफी को छोटा प्रोसीजर ना समझें और केवल अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए एंजियोग्राफी ना करवाएं, और इसके कई बार गंभीर परिणाम भी होते हैं। जब बहुत आवश्यक हो, डॉक्टर ने आपको निर्देश दिया हो, तभी एंजियोग्राफी करवाएं। एंजियोग्राफी होने के बाद आपको कैथ लैब से तुरंत वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, और वार्ड में 2-4 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद
आप घर जा सकते हैं। सामान्यतया 2-4 घंटे के बाद अगर आपकी कलाई से एंजियोग्राफी हुई है तब तो आप 2-4 घंटे के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, और अगर आपकी जांघों से एंजियोग्राफी हुई तो सेम डे नहीं तो अगली सुबह मॉर्निंग में आपकी छुट्टी कर दी जाती है। एंजियोग्राफी में क्या परिणाम निकलते हैं, क्या रिजल्ट निकलते हैं, उसके आधार पर ही आपके आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड होता है कि आगे क्या करना है। अगर ब्लॉकेज निकलते हैं तो ब्लॉकेज किस तरह के हैं उस आधार पर आगे का निर्णय होता है, और अगर ब्लॉकेज नहीं निकलते तो उस आधार पर आपके आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो आज हमने जाना कि एंजियोग्राफी से पहले क्या तैयारी करते हैं, एंजियोग्राफी में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और एंजियोग्राफी क्यों हमें केवल अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं करवानी चाहिए, केवल किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के निर्देश से ही यह काम करना चाहिए।